नमस्कार, जनसभा न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती शर्मा। दिन भर के विस्तार से खबरों को जानने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। डीएलएड पाठ्यक्रम द्वितीय वर्ष का प्रशिक्षण आयोजित। गरबा महोत्सव को लेकर तैयारियों को दिया अंतिम रूप। राम सिंह की एसबीआई शाखा में आम सुविधाओं का टूटा। जर्जर अवस्था में है पानी की टंकी, कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। बहुजन समाज का प्रतिभावान सम्मान समारोह आयोजित। बीआर दिवासी की याद में रात्रिकालीन वॉलीबॉल प्रतियोगिता संपन्न। एक शाम पीसी के नाम भजन संध्या आयोजित। माँ आशापुरी की वार्षिक रात्रि जागरण पत्रिका का हुआ मुहूर्त। बेंगलोर से सोनाड़ा खेतता जी के लिए भक्त रवाना। आइए बढ़ते हैं समाचारों के विस्तार की तरफ। डीएलएड पाठ्यक्रम द्वितीय वर्ष का प्रशिक्षण आयोजित। सुरेश गर्ग रोडला की रिपोर्ट के अनुसार जालोर जिला मुख्यालय के आदर्श राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय आहोर रोड जालोर में राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा संचालित डीएलएड पाठ्यक्रम द्वितीय वर्ष 15 दिवसीय प्रशिक्षण चल रहा है, जिसमें प्रशिक्षण प्रभारी कांतिलाल राजपुरोहित, देवेंद्र कुमार नाग, देवीलाल गहलोत द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है, जिसमें कुल 156 प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। जिला डीएलएड संघ के अध्यक्ष सावलाराम घाणा ने बताया कि यह प्रशिक्षण सेवारत प्रशिक्षणार्थी को नई दिशा प्रदान करने में सहायक सिद्ध होगा। प्रशिक्षण में जालोर, रानीवाड़ा, आहोर के प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण प्राप्त कर